हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपसे शेयर करूंगी रेनी का ये प्री मेकअप ऑयल जो आपको ग्लास स्किन प्रोवाइड करेगी, साथ ही साथ आपकी मेकअप को भी लॉन्ग लास्टिंग बनाएगी। सो इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह की है। इसकी प्राइस जो है 450 रुपीज, बट ये मुझे डिस्काउंट में मिल गई 379 ऐसा कुछ होगा। मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, मैंने इसे बाय किया है अमेजोन से। तो मैंने रिसेंटली शेयर भी किया मेरी अमेजोन हॉल पे, मेरी इंडियन ब्यूटी सॉल्यूशंस चैनल पे। तो यहाँ पर मैं इसकी रिव्यू डाल रही हूँ गाइज। इसे मैंने 2-3 बार यूज किया है। इसकी क्वांटिटी आपको मिलेगी 10 ml, एंड ये कुछ इस तरह की ड्रॉपर बॉटल में है, ये देखिए, जिससे आप यूज बहुत ही इजिली कर सकते हो। एंड फेशियल ऑयल जो होती है ना, जिस तरह की, उस तरह की ही है ये। तो ये फेशियल ऑयल है बट प्री मेकअप ऑयल है। मेकअप से पहले आप इसे यूज कर सकते हो, जिससे आपकी स्किन ना बहुत अच्छी से ग्लो करेगी, मेकअप के बाद लॉन्ग लास्टिंग होगी एंड आपकी स्किन ग्लास की तरह चमकेगी। तो चलिए देख लेते हैं काम करती है या नहीं। तो गाइज, मैंने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया, उसके बाद हाफ फेस पर मैं इसे यूज कर रही हूँ। 2-3 ड्रॉप अप्लाई करने के बाद मैं मेकअप फाउंडेशन अप्लाई करूंगी, एंड दूसरी साइड पर ना मैं कुछ नहीं अप्लाई कर रही हूँ, ताकि आपको डिफरेंसेस दिखे कि जहां पर मैंने ये ऑयल अप्लाई किया वो ग्लास की तरह ग्लो करती है या नहीं। तो मैंने 2-3 ड्रॉप लेके, 2-3 ड्रॉप ज्यादा हो गई, उससे भी कम, मतलब 2 ड्रॉप इनाफ होता है। अगर आप पूरी फेस पर अप्लाई करोगे तो 3 ड्रॉप इनाफ है। तो अप्लाई करने के बाद अच्छी से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पर फाउंडेशन ले रही हूँ, कलर एसेंस HD हाई डेफिनेशन फाउंडेशन। ये फाउंडेशन फुल कवरेज तो नहीं देगी, बट हाँ, अच्छी खासी कवरेज दे देगी आपको। तो मैं 2-3 ड्रॉप लेके पूरी फेस पर ये फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, एंड ब्रश से मैं इसे ब्लेंड करूंगी। तो ब्रश से मैंने ये फाउंडेशन इस साइड ब्लेंड कर रही हूँ गाइज। ये फाउंडेशन विदाउट मॉइस्चराइजर उतनी अच्छी से ब्लेंड नहीं होती है। तो मैंने ऑयल के ऊपर इसे अप्लाई किया एंड ब्लेंड कर रही हूँ। तो गाइज, बिलीव मी, बहुत अच्छी से फाउंडेशन ब्लेंड हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बहुत अच्छी से ब्लेंड हो रही है। तो एज यूजुअल कोई भी ऑयल अगर आप लगा लो, फेशियल ऑयल, उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करो तो बहुत अच्छी से ब्लेंड हो जाती है, तो ये बड़ी बात नहीं है। मैंने यहाँ पर फाउंडेशन अप्लाई कर लिया, अभी दूसरे साइड में अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन। हाँ, दिक्कत हो रही है, आप देखिए उतनी अच्छी से ब्लेंड नहीं हो रही है। ये फाउंडेशन थोड़ी सी ऐसी ही है, फेशियल ऑयल या फिर अच्छी से फेस को मॉइस्चराइज ना करो तो अच्छी से ब्लेंड नहीं होती है। वेल, मैंने ब्लेंड कर लिया पूरी फेस पर। तो यहाँ पर आप जस्ट मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया ऑयल के बाद, तो डिफरेंसेस आप देखिए गाइज, उतनी ज्यादा डिफरेंसेस मुझे नजर नहीं आ रही है, फ्रेंकली स्पीकिंग। आप ही देखिए, थोड़ा सा ग्लो कर रही है फेस, बट उतनी ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आ रही है। अभी मैं पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, तो मैंने पाउडर से पूरी फेस को कवर कर लिया, अच्छी से फाउंडेशन को सेट कर लिया। तो सेट करने के बाद अगेन आप देखिए गाइज, अगेन मुझे उतनी ज्यादा, मतलब हाई डिफरेंस नजर नहीं आ रही है, बट अगेन दिस साइड फेस थोड़ा बहुत ग्लो कर रही है देन दिस साइड। तो अभी मैं कंप्लीट मेकअप करके आपको लुक दिखाती हूँ। तो गाइज, यहाँ पर आप देखिए डिफरेंसेस। हाँ, थोड़ा बहुत मेरी फेस ग्लो कर रही है दिस साइड, बट दिस साइड उतनी भी ज्यादा ग्लो नहीं कर रही है, ऐसा भी नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है। इस ऑयल की वजह से मेरी फेस बहुत ज्यादा ग्लो कर रही है या फिर ग्लास की तरह चमक रही है, ऐसा नहीं है गाइज। तो आप ये ऑयल यूज कर सकते हो जस्ट फॉर ब्लेंडिंग, मतलब अच्छी से अगर फाउंडेशन को ब्लेंड करना चाहो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एंड दूसरी बात ये है स्टेइंग पावर, अगर ये ऑयल अप्लाई करके आप फाउंडेशन अप्लाई करो तो फाउंडेशन जो है ना स्टे करती है। यस फ्रेंड्स, ये भी इसकी प्लस पॉइंट है, ये जो दावा करती है आपकी फाउंडेशन आपकी मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगी, अच्छे से सेट करेगी। हाँ, अच्छे से सेट तो करती है एंड फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाती है, बट इसे अप्लाई करने के बाद आपकी फेस ग्लास की तरह ग्लो करेगी, ऐसा मुझे इतनी अच्छी रिजल्ट नहीं मिली है। तो आपको अगर ये दोनों रिजल्ट चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग स्किन बिफोर मेकअप, अच्छी से प्रिपेयर करना चाहो, अच्छी से फाउंडेशन को सेट करना चाहो, उसके लिए ये ऑयल आप बाय कर सकते हो, मेरी तरफ से हाँ है। अगर आप इसे बाय करना चाहो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।